नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कर्नाटक चुनाव पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं आने वाली। ललन सिंह ने इशारे में भाजपा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर भी बयान दिया। उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के ट्वीट पर पलटवार किया है। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी कार्यालय के कर्पूरी सभागार में बोल रहे थे। दरभंगा मेयर अंजुमारा ने तीर थाम लिया है। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दरभंगा के मेयर अंजुमारा को प्राथमिक सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय झा और समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी मौजूद थे। वहीं सभा के दौरान ललन सिंह ने मीडिया पर बोलते हुए कहा कि यह क्रैक हो गया है। मीडिया कल लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था, क्योंकि मीडिया पहले निर्भीक था। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ डगमगा गया है, क्रैक हो गया है। गोदी मीडिया केंद्र के एजेंडा में लगा हुआ है, लेकिन गोदी मीडिया को जनता समझ गई है, केंद्र के एजेंडा को चला रहा है। उन्होंने कहा कि आप लगे रहिए, आपको कौन रोका है, जनता भी समझ गई है। मीडिया के न्यूज पर आप विश्वास मत कीजिए, आप जनता समाज में एकता बनाए रखिए। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।